फूल खले गोल सनम मेरा दिन कट जात रात कटेला पड़ी रहू मिलना छोटी कसरत चरण कह सीता की डाल मन भी पाजा लाल धरण कह उसकी तरिया उसकी बड़ू शरण कह वाहे कर तू छोटू कसर सासरा हा दोनों कुलों की जान रखनी चाहिए सुनन दे छोटी बड़ी में कान रखनी चाहिए देवर जेठी पिता सिरे ससुर की कान रखनी चाहिए और पत्नी सेवा पर चा पालन की चमकान रखनी चाहिए पति सेवा पर चा पालन की चमकान रखनी चाहिए तेरा देवर जवानी गोदरा
है भाई, मौत सी लो देखे बाढ़ साल पीड़ी देखे तेज हवा में हो सरहाना पल्ला उड गया गच्ची का झटका लगा नाथ टूटी पेच लकड़ी पट्टी का गोटी हो गए ठावण लगी और तो क्या छती का सबत है न्यारी मेरी गल बड़ी से पहाड़ बराबर कन हो जा दो घर में एक जनी से नौ ते सबरी आम तक हो या सर पे मैं दही से कटे सारी उम्र में मार रहे जा मन या फूल शंगर एक बात को जानता है, आप उसकी शादी कर दो तो बहुत अच्छा रहे। वह कहने लगी कि बहना तेरे को इस चीज की क्या चिंता, वह चिंता तो हमने है तेरे से, वो कुछ कहकर नहीं गया शादी के बारे में। कहने लगी कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी तरफ से ये बात कहती हूं तेरे को, और इस दूसरी कली में उसको समझाती है। और जो यो कंपटीशन होता है भाई रागनिया का, यो एक हरियाणवी वो है फिल्मी नहीं होता। दूसरी कली में क्या प्रमाण दिया कैसे भला, फिर छोटी बना बड़ा पण तेरा कोई डोला डटाना, देखे भैया बिना जगत में धनका कोई कुड़ा बटाना, जे एक और आगी तके उसके नाम का आज शेर याटाना, और साहूकार सो वो धन दिया हरने और क्या का घटाना, और क्या सुन के ब्राह्मण रात का ब्राह्मण रात का जन करवाण के
कौन के पद्मावत। पंडित लक्ष्मीचंद ने एक सांग बनाया इस शरीर के ऊपर, इस मन का नाम रणबीर रख दिया, कपटी मन का नाम चंद्रदत्त रख दिया और आत्मा का नाम पद्मावत रख दिया। और जब ये सारी ये जितनी भी शरीर के अंदर नाड़ी कोठे सब इकट्ठे होकर इस आत्मा को खोजने चलते हैं, तो कौन के वो पद्मावत अपनी सखियों के साथ में बाग में ढूंढने गई हुई थी और कहने लगी सखियों के हाँ आए सुखिया जलवाओगी, क्योंकि सामने के महीने में और देखे पींग में बैठ कर गीत तबीर बनी गाय करे दिखाइए झलक थी पींग पे लत्ते चाल सजा के तो छोरिया ने लश्कर पकड़ा इधर उधर से आके भाई नौन घुमाई मारी झूल बजा के सासू जी का नाक तोड़ लिया लंबा हाथ रखा के Yeah.
देखे इस काम को आप नहीं करोगे तो तुम्हारे इस खानदान का ये दाग लग जाएगा। दुनिया ये कहेगी कि एक देवर था, मात पिता बचपन में गुजर गए, अपने देवर की शादी नहीं करी, अब कदे आदे राजपाट का मालिक हो जाए। क्या बताती श्री कली में कैसे फेरे धन माया का और धन माया का ओड़ नहीं कोई बालक बच्चा कोन्या ब्याह करवावाने एका मन सुब थारे दिल से सच्चा कोन्या और फूल संग सब समझे से इसा अकल का कच्चा कोन्या फलसे तारना चाहिए कवारा अच्छा शौक था औरतों को जेवर पहनने का। आज कितनिया कोनिया कितनी नई बहु वाले बिरदो छपाई सा फटक्या फटक्या फिरेगा नो बेरा पटन है या नई बहु से और पुरानी से उस लत्ते मद सासू का कुर्ता उससे मद बौड़िया का। लेकिन वो समय था उस समय में ये पता लग जाता था कि ये औरत नई है ये पुरानी है ये बाप और बेटा है। तो भाई के ठीक का गिलास में गल है दोनों में की क्या बताया भला ऊंची एडिया के बूट पैरी कड़ी थोड़ी है भाई चंपा कली अवेल झालरा पड़ी बिंदी तक मिलाई अरे रंग का तमीज पहरी काली पीड़ी धारी घूम घागरा कली थी नारी नारी ये तमरी की
काम मेरा यो बरजागर कसाले का आगे मालक कौन बनेगा पलटन फोड़ रसाले का जायदाद सरे छोरा हो जा तेरा कर दूंगा तो साले का नई रागनी में नई रंगत आज काल के प्यारे जात देने यारे से देखे वीर मर्द थारे बदले में अपना ही गात देने यारे से और हीरे पन्ने हे मोर या सरफी जवारात देने यारे से और रजपूता के कई कई बंदी ये साथ देने यारे हाथ में समाज में दो महीने कसूते आवेदन दे सामणकार फागण का फागण में तो इतने 80-90 साल की बुढ़िया हो वह भी एक बार फिरास नहीं बांध लेगी इतने दे ही खोल लो ही बंदरी से मरोड़ा मारे हूं अरे ये काम सामण में पहले गीत गाया करती कि छिक बोया रे तने बाजरार की छिक बोई सर ये जवार आली अपने लोग ने कहा करती रे इसे खड़े बोलते क्या बताया आप तो सही ठंड ठंड पाल जी भाई जब आवे जब आवे सामण का महीना गोरी रंगना चाहते किसे की गोरी किसे की छोरी सबके साथ साथे 20 साल ते नीचे नीचे खुलिया धरती काटे रे किसे की कोथरी किसे का शंधारा तेरा